मालूम, एक बार मैं देखे देखता हूं, उन सालों को एक्चुअल में पता ही नहीं है कि एक अटेम्प्ट की अहमियत क्या होती है, इसलिए वो लोग अटेम्प्ट दे देते हैं। आप मेरे को एक बात बताओ, क्या आप मानोगे या नहीं मानोगे कि साहब 50,000 रुपया पर मंथ तो कमाएंगे या नहीं कमाएंगे, क्या बोलते हो? अगर मैं 6 लाख का पैकेज मरे से मरा मानता हूँ कि 6 लाख रुपीज का ये पर एनम का पैकेज अगर आता है, सो 50,000 पर मंथ हुआ। अगर आपका एक अटेम्प्ट लगता है यानी 6 महीने यानी 3 लाख रुपया हुआ, ये 3 लाख रुपया आपका कॉस्ट है एक अटेम्प्ट का, कॉस्ट ऑफ वन अटेम्प्ट। समझदार लोगों आप लोग सब याद रखना सर, एक अटेम्प्ट का कॉस्ट 3 लाख रुपया है। सर 3 लाख रुपया मत गिनो, आप ये देखो आप 21 साल में सीएस बनते, जो आप बने 22 साल में या 21.5 साल में बने। अब मैं तो मानता हूँ मैं सबसे कंजर्वेटिव, मतलब मैं तो पॉजिटिव थिंकर आदमी हूँ, मैं मानता हूँ सिर्फ एक ही अटेम्प्ट लगा आपका, तो ये पैसा जो आपको 21 साल में मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, यानी ये पैसा कहाँ चला गया? हमारा अपॉर्चुनिटी लॉस। अपॉर्चुनिटी लॉस यानी 21 साल में मान लो ये पैसा मिला होता और मैं उसे कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट में इन्वेस्ट किया होता, कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट में इन्वेस्ट किया होता, तो ये 3 लाख अब कम से कम 21 साल में बने तो साहब कम से कम चाहेंगे साहब 40-50 साल तो कम से कम भोगे अपना जीवन यार एज अ प्रोफेशनल। तो साहब 40-50 साल के लिए अगर 3 लाख रुपए को इन्वेस्ट कर दूं जिसके ऊपर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आएगा, साहब आप कंपाउंडिंग के इफेक्ट को मत मत करना। कंपाउंडिंग एक बहुत जबरदस्त आंकड़ा होता है साहब, जबरदस्त आंकड़ा होता है कंपाउंडिंग। मैं कंपाउंडिंग की बात कर रहा हूं, दिस 3 लाख फॉर 50 इयर्स विल टर्न इनटू करोड़।